ग्वालियर जिले में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा को लेकर मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि कांग्रेस को अपने ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए। जब यूपीए की गवर्नमेंट थी उस समय स्वामीनाथन साहब ने एमएसपी के बारे में रिकमेंडेशन की थी और वह तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी गई थी। इसके आगे उन्होंने कहा कि एमएसपी से संबंधित जो रिकमेंडेशन थी उनको यूपीए सरकार ने पालन करने के लिए जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी ने उसको निरस्त कर दिया था। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने एमएसपी के लिए नया मैकेनिज्म स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट के आधार पर बनाया। वहीं प्रदेश सरकार के नए सिरे से 5000 से कर्ज लेने पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि दुनिया उसी को कर्ज देती है जिसकी कर्ज लेने की हैसियत हो। क्षेत्र का विकास करने और जनता को सुविधा दिलाने के लिए कर्ज लेना बुरी बात नहीं है। सरकार कर्ज लेती है लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक करने के लिए। मैं समझता हूं कि कांग्रेस को अपने ज्ञान में वृद्धि करना चाहिए। जब यूपीए गवर्नमेंट थी उस समय स्वामीनाथन साहब ने एमएसपी के बारे में रिकमेंडेशन की थी और वो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को सौंपी गई थी। एमएसपी से संबंधित जो रिकमेंडेशन थी उसको यूपीए की सरकार ने पालन करने के लिए जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी ने उसको निरस्त कर दिया था। तो एमएसपी जैसी थी वैसी थी। मुझे प्रसन्नता है कि जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने किसानों को निरंतर लाभ मिले, घाटे की स्थिति से वो उभरें और उनको उचित दाम अपने उत्पादन का मिल सके, इसलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एमएसपी के लिए एक नया मैकेनिज्म स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन के अनुसार बनाया और अब एमएसपी प्रतिवर्ष लागत मूल्य को जोड़कर उसमें 50% मुनाफा जोड़कर घोषित की जाती है। यह मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लोगों को समझना चाहिए और हर साल एमएसपी में वृद्धि हो रही है। कर्ज भी दुनिया उसी को देती है जिसकी कर्ज लेने की हैसियत होती है। कर्ज लेना बुरी बात नहीं है लेकिन कर्ज लेकर क्षेत्र का विकास करना, जनता को सुविधा दिलाना, इसके लिए कर्ज आवश्यक होता है तो सरकारें लेती हैं और मैं समझता हूं मध्य प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी है।